20 गांव से अगर हम लोग जुड़ के काम करेंगे तो हो जाए। हम लोग समूह में जुड़े हैं ना, हम लोग बस बचत कर रहे हैं, बस अपने ही तक सीमित है। तो हम लोग को आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता है, तो ये हम लोग आजीविका से जुड़ने का काम हो रहा है। उन लोगों का बेटा का जरूरी पड़ा है हमको। अगर हम लोग फोन पे बात भी करते थे तो भी नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा होता था। तो आप लोग को समूह में जाके ये चीज बताना भी है, बाकी हम लोग तो बता ही चुके हैं और एक बार बताएंगे। किसान जैसे ही रह जाएगा, उसको 11 ही मिलते जाएगा। भारत कहाँ आगे बढ़ रहा है? हो सकता है अगर हम टाइम ना दे तो हम अपना बच्चा को भी हम वो चीज बता के, और हम नहीं जा रहे तो उसको भेज देंगे। बहुत से तो बेटा अभी ना हम तो इधर घूम चल पड़े हैं। समूह एक हिसाब से आप लोग क्यों जुड़े? हम लोगों को थोड़ा जरूरी है उस समय के लिए लोन मिल जाए, बस यही कारण है आप लोगों का। छोटा छोटा लोन है, बस एक नया शुरुआत हो, आजीविका शुरुआत हो। मेरे उद्देश्य समझे ना कि नहीं? एक गांव का लड़का सेम ऐसे ही सोच निकल के एक राइस मिल बिठाया। उस राइस मिल बिठाने के लिए कौन क्या मदद किया, कितना तक मदद किया, सरकार किया या कौन किया, बस ये छोटा है, बस 2 मिनट का, बस ये देख लेते समझ में आएगा। अपडेट में डे 124 है, इंटर्न खत्म हो गया, इंटर्न का फेल्यूर हो गया, तो हम सोचे वो बर्डन भी हम ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि सब कोई नहीं फ्री में नहीं आता है। तो हम ही निकल जा रहे हैं, किसान दीदी लोगों को और लड़का लोगों को मोबिलाइज करना, तो आज वो पहला स्टेप है लड़का लोगों को मोबिलाइज करने वाला। तो हम जा रहे हैं एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन, पहले जाने वाले थे क्लस्टर ऑफिस, इनवाइट वहाँ क्लस्टर ऑफिस का दीदी लोग भी अटेंड हुआ है ऑफिस बैरियर्स पर, गए थे हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये कहानी आज का, डू एंजॉय। दीदी जो है गरीब से अमीर बनने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, सब तो पता है ना दीदी जी? नहीं, किसान अमीर व्यक्ति है। नहीं ना, हम लोग जो प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो जिस प्रोग्राम का नाम है आजीविका जी का, उसमें हम लोग गरीब से अमीर बनने के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो सीएलएफ तक का हम लोग को सबको समझ में आ गया, उसके विषय में हम नहीं बात करेंगे। हम लोग मेन आज का बात है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? आज का बात है कि जी कंपनी बनाने का, ठीक है? आप लोग को सर जो है सो बोल रहे हैं कि हम एक कंपनी बनाएंगे। कौन सी कंपनी? राइस मिल का कंपनी, ठीक है? धान जो अपना जो धान होता है, हम लोग को धान, हमारा धान जो होता है, हम लोग सब धान पैदा करते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी बना हुआ है, पीजी बना हुआ है, सब जगह पता है ना? हाँ। नहीं बना है तो बनाना भी है, ठीक है? पीजी बना हुआ है सब जगह, और पीजी नहीं बना है तो बनाना है। तो उसी का एक हम लोग कंपनी बनाएंगे, पीजी के बाद हम लोग उस ऊपर स्तर पे हम लोग जाएंगे, ठीक है? कंपनी इतना इतना आदमी है, हम लोग कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सब मान लीजिए कि इसी में हम लोग कितना मेंबर है, कम से कितना मेंबर है आज यहाँ पर?
मोटा मोटी कितना भीड़ है दीदी? हम चलिए 30 छुआ मान लेते हैं। कितना है यहाँ पर? 30 दीदी हम लोग हैं। ठीक है, तो 30 दीदी है, लेकिन 30 दीदी जो हम लोग का विचार एक है क्या? नहीं है, सबका विचार अलग अलग है। तो एक विचार बनाने के लिए हम लोग एक कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, उस कंपनी में सबका भागीदारी का जरूरत है। जिस तरह से सीएलए में हम लोग जिस तरह सीएलए बनाए ना, उसी तरह से पूरे क्लस्टर में एक कंपनी का हम लोग शुरुआत करेंगे। वो कंपनी क्या होगा? पेडी मैंने धान जो है मिल का, मैंने राइस मिल का। ठीक है, राइस मिल हम लोग चलाएंगे। बड़ा मिल तो हम लोग अभी पैदा नहीं कर सकते हैं। बड़ा मिल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, लेकिन छोटा मिल तो हम लोग कर सकते हैं। अगर 24 घंटा चलाता है तो हम 2 घंटा चला सकते हैं। ऐसा मशीन हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग का सहयोग का जरूरत है। कुछ सहयोग का जरूरत है, क्योंकि भैया हम लोग को आप आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अगर एक कंपनी का निर्माण होगा तो हमारे 22 गांव है या 24 गांव भी बना है या 24 गांव आ रहा है, तो 24 में अगर हम लोग 2 दीदी को भी या 2 लोग को रखते हैं, ठीक है, हम लोग भैया को भी रख सकते हैं। अगर 2 दीदी को रखते हैं तो उससे क्या होगा, उन लोग को भी आय का स्रोत बढ़ेगा। करना क्या है कि अगर हम लोग का राइस मिल बन जाता है, ठीक है, धान को गाँव में ही खरीदना है। क्या करना है? गाँव में ही खरीदना है। और उसका जब जो होगा, ठीक है, बीओ स्तर में पीजी स्तर में आप लोग खरीद लीजिए, या हमारा कंपनी के में भी यहाँ निर्माण होगा, मैंने कंपनी में भी बहुत तरह का काम होगा। ठीक है, कंपनी जब निर्माण करिएगा तो बहुत तरह का काम होगा। कोई बेचने वाला काम करेगा, कोई खरीदने वाला काम करेगा, कोई उसको मैंने आगे बढ़ानेगा, कोई ऑफिस में काम करेगा। इस तरह से कंपनी का निर्माण हो जाएगा तो कम से कम 20-25 गाँव दीदी जो है सो यहाँ एड हो जाएंगे। ठीक है, एड करने के लिए हम लोग को लेकिन उपाय करना पड़ेगा कि यही उपाय करना पड़ेगा कि जिस तरह से क्लस्टर बना है उसी तरह से कंपनी निर्माण में भी हम लोग को थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग मैंने 100 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया मेंबरशिप रखते हैं, जमा करते हैं, तो कंपनी जो फायदा करेगी, मान लीजिए कंपनी अगर आप लोग यहाँ 1000 रुपया जमा करती है तो 30 आदमी है तो 30,000 रुपया होगा, 30,000 होगा ना, तो 30,000 रुपया में जो काम करिएगा, ठीक है, उसको मान लीजिए धान खरीद बिक्री करिए, धान खरीद बिक्री करिएगा तो उसे क्या होगा, अगर आप 12 रुपया में खरीदते हैं, मान लीजिए कितना खरीदे 12 रुपया, उसको हम 14 रुपया में बेचेंगे, कितना बेचेंगे 14 या 15 रुपया में बेचेंगे धान को, अगर डायरेक्ट बेचेंगे तो 2 या 3 रुपया जो बेनिफिट हो रहा है, तो जो हम लोग खट रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हम लोग को फायदा मिलेगा। अगर उसको हम लोग चावल बना के बेचेंगे तो हो सकता है 12 की जगह हम 24 बेच सकते हैं, बेच सकते हैं ना, क्योंकि उसका पैकिंग करेंगे, उस कंपनी का मोहर लगेगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग उसका इसका निर्माण करेंगे तो हम लोग उसको आगे तक हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 24-25 रुपया हम लोग उसे बेनिफिट मिल सकता है। तो हम लोग का मेन फोकस है जो जिस तरह से कंपनी का निर्माण यदि हो जाता है तो गाँव का हम लोग का अभी कुछ दीदी लोग का रोजगार आ जाएगा, आएगा कि नहीं ग्रामीण आएगा। इसलिए अगर हम लोग 30,000 देंगे तो 30,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये गारंटी लेते हैं कि हम कंपनी का निर्माण करेंगे, डेवलपमेंट प्रोफेशनल, कंपनी का जब निर्माण हो जाएगा तो आप जो है सो इसको आगे से आगे अपना ही नहीं करिएगा, हम लोग रहे चाहे नहीं, जैसे अभी मान लीजिए सीएलएफ बन गया, बीओ बन गया, हम लोग है चाहे तो बैठक करते हैं कि नहीं, बैठक करते हैं कि नहीं दीदी, थोड़ा बोलिए, करते हैं ना बैठक, अगर नहीं अगर हम चले गए दूसरे जगह तो आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, उसी तरह से अगर ये भैया चले भी जाएंगे ना कहीं चले जाएंगे का निर्माण करके तो आप लोग का कंपनी चलेगा। ठीक है, चलेगा और कंपनी जो है सो बहुत बढ़िया बेनिफिट करेगा। इसलिए ये बोल रहे हैं कम से कम हम जब तक है तब तक जो है सो आप लोग को बेनिफिट करवाएंगे, और इसमें जो है सो आप एक तरह का नहीं कई एक तरह का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी निर्माण के लिए भैया आए हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, आप समझे ना क्या करना है, सो मेन उद्देश्य समझे ना कि नहीं, मेन उद्देश्य समझे दीदी, जो बताए उसको नहीं समझे फिर से बात करेंगे। देखिए दी, हम लोग समूह में जुड़े हैं ना, हम लोग बस बचत कर रहे हैं, बस अपने ही तक नसीब है, तो हम लोग को आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता है, तो उसको कैसे अपनाना है उसके बारे में सर हम लोग को मदद करेंगे। तो ये हम लोग को आजीविका से जुड़ने का काम हो रहा है। ठीक है ना, हम लोग का एजेंडा में है ना आजीविका योजना पर चर्चा, तो समझिए कि उसी के लिए तो जरूरत है ना कि सभी दीदी जुड़ेंगे, उसका भी कुछ नियम कायदा है, तो वही सर बताएंगे। ये चावल के बारे में, इसे धान को हम लोग बेच देते हैं राइस मिल का, ठीक है, तो धान ना बेच करके हम लोग चावल खुद से तैयार करके चावल बेचेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा ना, तो बस उसी का प्लान है। ठीक है ना, उसको कैसे करना है अभी सर बताएंगे। तो एक हिसाब से आप लोग जो समूह है ना दीदी, समूह एक हिसाब से आप लोग क्यों जुड़े, आप समूह क्यों जुड़े दीदी, बस पैसा इकट्ठा करने के लिए? हाँ,
कोई तो बोलिए समूह बस बोलिए, जैसे बोला जा रहा है ना कि आप समूह में जुड़े हैं, इकट्ठा करने के लिए जुड़े, केवल जमा करने के लिए जुड़े, हाँ या ना? हाँ या ना? अपना अपना राय सबका अलग होगा, दिशा का एक नहीं हो सकता है, अपना राय दीजिए, ठीक है? तो अभी जो जुड़े हैं, अभी ग्राम संगठन बन गया, सीएलएफ भी बनी आप लोगों का। साउथ में हम लोग, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, हैदराबाद से, तो वहां पे बहुत साल से चल रहा है समूह बैठक। वो लोग एक कारण से जुड़ा हुआ है, एक कारण से और भी बदल गया। तो आप लोगों का कारण क्या है यहाँ पे अभी बैठक के लिए? बस ये इकट्ठा करने के लिए, लोन लेने के लिए, मतलब हम लोगों को थोड़ा जरूरी है उस समय के लिए लोन मिल जाए, बस यही कारण है आप लोगों का? और क्या है? कैसे तरह बचत करेंगे, बचत जो करते हैं ना उस पैसा से हम लोग ऋण लेते हैं, जरूरत पड़ने से ऋण लेके। सही बोल रहे, दोनों सही है, ये दीदी गलती नहीं है, ये दीदी गलती नहीं है, बस हम ये बोल रहे हैं। आप लोग अभी इकट्ठा हो गया दीदी, झारखंड पूरा में जो जगह अकेला अकेला दीदी लोग है वो सब इकट्ठा हो गया, पर वो इकट्ठा जो हुआ है वो पैसा को, हम लोगों को टमाटर बिक्री हो रहा है, टमाटर को सॉस बना के बेचा है, तो एक टमाटर से 10 सॉस आएगा, 10 पैकेट सॉस पैकेट आएगा, हाँ, एक एक सॉस पैकेट 1-1 रुपया में बिक्री होता है। वो टमाटर को टमाटर जैसा नहीं बेचना है, ये पैसा जो हम लोगों को ऋण मिल रहा है ना, हर एक समूह लोन ले ले, बस जो भी है छोटा छोटा लोन है, बस एक नया शुरुआत हो, आजीविका शुरुआत हो। पर अभी हम, हमारा आजीविका के हिसाब से हम जो आए हैं, ये दान जो है वो चावल बनाने के लिए सब बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के पास। अभी इकट्ठा हो गया, आप लोग तो सही जगह में है, आप लोग जो भी है, आप लोगों का दान निकल रहा है, पर 11 ही आ रहा है, कम ही पैसा आ रहा है। बस अभी उत्पादक समूह बना हुआ है, मछली बना रहा है आप लोगों से, JSNPS मछली बना के मछली को बेच रहा है, पर आप लोगों के पास ऑलरेडी दान बना हुआ है, दान बना के बेच रहे, वो दान को आप लोग इस तरफ से बेच रहे, बट अगर इस तरफ से आके इस तरफ में कुछ सामान रख के उसको चावल पिसा के वहीं पे एक बोरा में डाल के भारतपुरा पे बेच सकते हैं, कहीं पे भी बेच सकते हैं, बस आप चावल बना के एक पैकेट बना के निकाल लीजिए। वो चावल बना के पैकेट को निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, क्या चीज का मशीन, दान का, हाँ चावल बनाने का मशीन, चावल बनाने का मशीन एक दिन में बहुत सारा कुटता है, कुटाई होता है। ये जो यहाँ पे दिखा हुआ है वो कितना दाम का है, वो बहुत बड़ा दाम का है, एक दिन में बहुत चीजों का होता है, एक गांव का पूरा एक ही दिन में हो सकता है, बट हम लोग उतना नहीं जा सकते, छोटा से शुरू करेंगे, पहले का चावल तो कूट ले हम लोग पहले, हाँ उसके बाद कूटने के बाद बाकी गांव का भी सोचेंगे बाकी के हिसाब से। तो वो छोटा दाम के लिए मान लीजिए एक दिन में 1 टन कुटाई होगा, उसका खर्चा कितना निकलेगा, एक जगह चाहिए ऐसा बिटने के लिए, इतना जगह एक मशीन बिटाने के लिए, इतना जगह एक कोने में, और मशीन का खर्चा वहां पे काम करने के लिए एक बंदा का पैसा, इतना ही है और कुछ नहीं है। ये लोग जो बंदा है वो बंदा के नीचे और एक बंदा रहेगा, वो बंदा जाके गांव से उठा ला के ले आएगा यहाँ पे, मतलब इकट्ठा करके यहाँ लाएगा, जैसा आप लोगों से खरीदता है वैसे ही हम लोगों का एक आदमी भी लेके आएगा यहाँ पे ये मशीन के पास, बस ले आने के बाद फूट जाएगा। वो जो 11 रुपया देना है यहाँ 21 या 22 दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं हम लोग, वहां कट जा रहा है, कट जा रहा है, बिक्री जो जगह हो रहा है वहीं पे भी कट जा रहा है। इन लोगों का तीनों का कमीशन तो पक्का लेगा, कोई भी काम ऐसे भी नहीं करेगा, हाँ ये लोग हम लोगों के लिए काम करेगा, ये लोग हट जाएगा, ये दोनों देखना है। बस ये करने के लिए कौन करना है एक हिसाब से, आपका गांव में कौन करना है, आप करना है, आपका पापा कर, मतलब आपका पति करना है या आपका बेटा करना है, मैंने किसी, मैंने कोई भी कर सकता है, मैंने मेंबर आप ही लोग में से रहिएगा ना, परिवार में से कोई भी रह सकता है जो सक्षम हो, हाँ जो एबिलिटी रखता है, उसको रोजगार मिल रहा है। उत्पाद तो आप ही का है, उपज तो आप ही का है, आप ही लोग करके बेचा है तो आप ही लोगों को फायदा मिलेगा, हम लोग कर लिए तो, जैसा मैं ये राइस मिल जैसा हम भी सोच के हम भी राइस मिल बिठा दिया है तो हम ही को फायदा होगा, सालों साल होते रहेगा हमको फायदा, बट ये किसान किसान जैसे ही रह जाएगा, उसको 11 ही मिलते जाएगा। तो भारत कहाँ आगे बढ़ रहा है, भारत अभी मतलब विकास होते ही रहेगा, विकसित वो नहीं सुन पा रहे हम लोग, विकासशील विकासशील नहीं सुन पा रहे हम लोग, विकास होते ही बढ़ते जा रहे हैं।
तो आप लोगों को आपका घर से ही कोई आके ये काम करना चाहिए कि सबसे मेरा उपज है ये, हम लोगों का उपज है। तो इस मुद्दा में हम लोग ऑलरेडी में 23 मतलब 13 गांव चुने, 13 गांव चुने, 13 गांव चुनने के बाद 13 गांव से कुछ दीदी लोग आया है, हम लोग जुड़ गए। जुड़ने के बाद दीदी लोग सोच आया है, हम लोग बैठक भी कर रहे हैं, 10 बैठक कर दिए। 10 बैठक करने के बाद हम लोगों के पास 20,000 आया। 20,000 आने के बाद भी हम लोगों का काम आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि दीदी लोग हर जगह नहीं जा पा रहे हैं। तो हम इसीलिए आए हैं कि उन लोगों का बेटा का जरूरी पड़ा है हमको। तो वो बेटा जो है वो हर जगह पढ़ लिख है, सोचदार है, समझदार है, वो आगे कर सकता है आराम से। उन लोगों को ट्रेनिंग भी मिलेगा, सब सिखा सकते हैं एक हिसाब से। तो दीदी समझाएगा एक बार आपको, दीदी बैठना मत, बैठना मत। तो आप लोग जो 20 लोग बना है ना, हाँ। वो समझाइए बस, जो 20 लोग वहाँ पे बना है वो समझाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। दीदी लोगों को आप ही, दीदी लोगों को आप ही समझाइए। सर ये जो चावल बनाने का काम शुरू अभी हो रहा है तो इसका कुछ ग्रुप बना होगा ना? हाँ, हाँ। वही ग्रुप बना हुआ, उसका नाम वो तो सुने हैं कि ग्रुप बना है, उसका नाम कुछ दिया? नियमित नहीं रखा, अभी देख रहे रखा, हर शुरुआत हो रहा है। 20 सदस्यों का है, 13 गांव ना। दीदी आपका परिचय पहले दे दिया, मेरा भी जानेगा आपको, देंगे अपना परिचय, मेरा भी जानेगा ना आपको, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उपस्थित सबों को जोहार। जोहार। मेरा नाम है और मेरा गांव का नाम है, और हम है और मेरा गांव का नाम है, और मेरा ग्राम संगठन का नाम है जिनका महिला ग्राम संगठन, जिसमें हम DOA है, और हमारा क्लस्टर का नाम है, और हमारा क्लस्टर संगठन का नाम है जिनका महिला संकुल संगठन जिसका हम सदस्य हैं। सभी को नम धन्यवाद। और ये जो सतीश भैया बता रहे थे इसके बारे में, जैसे हम लोग एक बार तो भैया ही हम लोग को बताए थे कि हम लोग एक सबसे पहले एक ग्रुप बनाएंगे, हम ही लोग का गांव में पहले बात किए थे भैया, एक एक जल्दी से या तो एक ग्राम संगठन से रखेंगे वैसा। तो हमको लगा कि ग्राम संगठन से तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्राम संगठन में कुछ लोग दीदी एक्टिव है, कुछ लोग नहीं है, जिसके कारण हम लोग बोले कि और दीदियों से हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग को 3 क्लस्टर की दीदी लोग, जहाँ जहाँ से दीदी लोग एक्टिव थी, DOA दीदी लोग को हम लोग लिए थे, या तो फिर सक्रिय महिला थी वो दीदी लोग को हम लोग लिए थे, और यहाँ क्लस्टर की दीदी लोग थी, और हम लोग लगभग 4 या 5 दीदी थे और क्लस्टर थी। तो ये दीदी हम लोग मिल के लगभग क्लस्टर से कौन कौन दीदी है अभी बता दीजिए। क्लस्टर से केदार और हम और एक एक देवी अभी नहीं करती है एक, और DOA थी सोरेन, और बाकी चंद्र से 2 ही दीदी थे और ज्यादा क्लस्टर से थे। तो वही ग्रुप तो बनाए और क्या बोलते हैं, हम लोग ज्यादा दौड़ ये भी किए थे कि जहाँ जहाँ राइस मिल था या तो बैंक से लोन लेना था वो सब के बारे में हम लोग 20 दीदी लोग का ग्रुप बनाए और बात भी किए थे, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं किए क्योंकि जब भी अगर मीटिंग होता था ना तो हम लोग तो आ जाते थे, हम लोग का मीटिंग होता था सभा हॉल में, तो हम लोग का नजदीक होता था, दीदी लोग लगभग देखा जाए ना तो कितना दूर से एकदम रिंग रोड आती थी ऑटो लेने के लिए, मतलब एक दीदी का 120 रुपया हो जा रहा था आने जाने के लिए। वो तो रिंग रोड से रिंग रोड आने तक का, फिर उससे अंदर गांव घुसने का ज्यादा हो जाता था, वो दिक्कत होता था उन लोग का। तो वो था अगर हम लोग फोन से बात भी करते थे तो भी नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा होता था, बस इसी के कारण कभी कोई बैठक में अटेंड होते थे कोई बैठक पे नहीं होता था, तो वही हुआ। और बाकी बैंक से हम लोग लोन के लिए भी अप्लाई किए थे, तो वही हम लोग जो जो जाते थे बैंक में ना तो क्या होता था कि कुछ प्रूफ मांगता था, जैसे किसान होने का, तो किसान होने का तो वही जब हम लोग अगर ब्लॉक में अगर डायरेक्ट धान बेचते हैं है ना, तो उसमें हम लोग को एक स्लिप भी मिलता है, जैसे रसीद मिलता है, तो वो रसीद अगर हम लोग बैंक में दिखाते तो हम लोग को लोन मिलता,
बाकी सारे दीदी लोग का तो नहीं था। तो हम लोग क्या किए थे ना कि अपना अपना सारे दीदी 20 लोग थे ना, 20 दीदी मिला के, यानी कि अपना अपना पंचायत के जो मुखिया थे उनसे एक प्रस्ताव लिखवाए थे कि हम किसान हैं इतने साल से और हम धान का कृषि करते हैं, तो वो अपना हिसाब से वो प्रमाणित कर देते थे और साइन करके, और फिर उसी को हम लोग दिखाए थे। तो वो बोले दीदी लोग ये समझे कहाँ रुक गए हम लोग, किस कारण, मतलब एक तो दूरी की वजह से भी रुक गया, और आपके पास समय मिल रहा है ये जोहर ऑफिस जाके बात करने में, आपको समय निकल पा रहा है, सब दीदी लोग इकट्ठा होके हो रहा है, तो वो बताइए बस। मतलब दीदी लोगों को ये हो रहा है कि हर एक दीदी लोग इकट्ठा होने के लिए हम लोग मुश्किल हो रहा है, आप लोगों के पास जैसे आके उत्पादक समूह बनाया है और एक मछली वाला में, पर हम लोगों को धान का उत्पादक समूह बनाना है तो हम लोगों को कुछ जगह में घूम के बनाना पड़ेगा, ये पत्र को जो भी हम लोग कंपनी बनाएंगे वो पत्र को घूम के बनाना पड़ेगा। तो ये दीदी लोग एक हिसाब से रेडी है, पर उन लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है, मम्मी खाना बना रहा है, बेटा को देखभाल कर रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, मेरा मम्मी भी सेम है, ऐसा नहीं कि अलग है। जैसे आप लोग में भी वो होगा कि देखिए अगर यहाँ पे अगर 20 दीदी है तो हो सकता है 10 या तो 15 दीदी निकल के आएंगे, लेकिन 5 दीदी थोड़ा टाइम नहीं दे पाएंगे, तो बस वही देखना है। और अगर दीदी लोग करना चाहते हैं तो हो सकता है अगर हम टाइम ना दे तो हम अपना बच्चा को भी हम वो चीज बता के और हम नहीं जा रहे तो उसको भेज देंगे। तो हम ये बात कहने लायक थे, मतलब दीदी लोगों के साथ बेटा लोग भी रहेगा तो ये मंजिल आराम से बढ़ जाएगा, मतलब बेटा लोग ना रुके, हाँ काम रुकेगा नहीं, पूरा काम आप लोगों का, आप लोग मालिक है, करवाइएगा काम, वो बेटा लोग भी मालिक ही है एक हिसाब से, पर कोई किसी को नियमित रख के पैसा देके काम करवाएगा, मतलब घर बनवा रहे तो किसी को रख के ही घर बनवाएगा, हम ही लोग तो नहीं बनाएंगे, बेटा ना बनाएगा वो नहीं बनेगा, हम लोग का उपज ऑलरेडी रेडी है, हम लोग बनवाएंगे किसी को नौकरी रख के, तो बस वही है उसको रोजगार मिलेगा वो है। तो एक गांव से अगर एक समूह बन गया या जो भी बन गया, वहां 20 दीदी लोग है तो मान लीजिए 5 लड़का लोग तो जरूरी है उस गांव के हिसाब से, वो 5 लड़का लोग मिल गए ना ये गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, वो गांव के हिसाब से वो दान कैसा कैसा आए समझ लेगा, मतलब कोई भी दान को बड़ा काम में मम्मी लोग कर पाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा, पर वो आराम से कर लेगा लड़का लोग जो भी है। तो बस वो एक मुद्दा था, वो लोग एक जरूरी है। तो बस हम लोग का यहाँ पे क्या काम है कि जैसे अभी जो है दीदी लोग जितने लोग भी हैं अभी, तो आप लोग को समूह में जाके ये चीज बताना भी है, बाकी हम लोग तो बता ही चुके हैं और एक बार बताएंगे, और वही समूह में बताना है अगर जो दीदी लोग करने के लिए तैयार है तो आप भी तैयार है, और आप घर पे भी बताइए किस तरह का काम है तो करे या ना करे, वो चीज पूछना है। अगर वही चीज अगर बच्चा लोग है तो बोलेंगे कि ऐसा ऐसा काम है, तो अगर हम जिस दिन टाइम नहीं दे पाते हैं उस दिन तुम जाके वहाँ पे अटेंड कर। अच्छा ये मशीन अभी नहीं लिया गया है? नहीं पहले अभी SHG बनेगा, वो दीदी लोग तैयार होंगे SHG बनेगा, वो तो एक फिक्स न रहेगा, अगर मान के चलिए कि मेरा CLF से केवल लिया जाए, वो चीज मेरा कहना है कि अगर हमको चाहिए कि हमको एक ही जगह से ले तो ज्यादा बेटर होगा, ये चारों तरफ हुआ ये सब अगर रहेगा तो हम लोग से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर एक CLF में रहेगा ना तो ये हो जाएगा, क्योंकि मेरा गांव कितना है 23 गांव है ना, 23 गांव से अगर हम लोग जुड़ के काम करेंगे तो हो जाएगा। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो हम लोग CLF से भी काम शुरू कर सकते हैं। हाँ नहीं तो फिर एक बीओ से, आप ही लोग का बीओ से ही करें, कोई दिक्कत नहीं, भी साथ देंगे वैसा हो सकता है, समझ गए। कर पाइएगा, ये काम जो कर सकते हैं वो सब जवाब देंगे, जो नहीं कर पाते हैं अभी सुधरना देना है, समझ गए। और इसके लिए जरूरी नहीं कि मेरा नाम लिस्ट में है तो हम दिल्ली जाएंगे, नहीं कुछ और काम पड़ेगा हम नहीं जाएंगे, अपना बदले में अपना बेटा को अपना हस्बैंड को भेज सकते हैं, कोई भी पेपर हो लेकिन हां उन्हीं को भेजते हैं। अगर मान लीजिए बहुत से का बेटा भी ना फालतू इधर को घूम चल पड़े हैं, पढ़ाई करके रुक गए हैं, पढ़ाई करते ठीक है ना, ये बहुत का हस्बैंड बाहर काम करने नहीं जाते, वो तो कुछ से ना बोलेगा, हम लोग तो सारे लोगों को ठीक है ना, बस वो टाइम तो फिर होता है। एक गांव का लड़का
सेम ऐसे ही सोच निकल के एक राइस मिल बिठाया। उस राइस मिल बिठाने के लिए कौन क्या मदद किया, कितना तक मदद किया, सरकार किया या कौन किया, बस ये छोटा है, बस दो मिनट का, बस ये देख लेते, समझ में आएगा। आप भी देखिए, आप नहीं देखिए। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is a simple yet powerful solution over shared hosting and VPS. Meet Joe. He commutes to his business on the bus. The bus is a portable. Hyderabadi biryani, Gujarat, Kashmiri, or even Kerala ka masala dosa. Har jagah ek cheez jo common hai. वो है चावल। जी हाँ, हमारा देश चावल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। 67% हमारे देश की आबादी चावल पर निर्भर है। और सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई जगहों में चावल को प्राइमरी फूड सोर्स माना जाता है। भारत जहाँ आज भी कृषि लोगों की मुख्य आजीविका है, वहाँ कृषि पर निर्भर उद्योग की भी बहुत मांग है। इसलिए चावल की मिल का व्यापार आपके लिए काफी लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो IIT आपकी पूरी मदद करेगा। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए लाया है राइस मिल पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक बड़े स्तर की राइस मिल प्लांट पर। ध्यान दें कि इस प्लांट की कैपेसिटी 240 टन पर डे नॉर्मल राइस के लिए है और 192 टन पर डे बासमती राइस के लिए। नमस्कार सर, हम प्रदीप कुमार गुप्ता की कंपनी GLG ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, हम सनेटी टू से यही काम लार्ज स्केल से कर रहा हूँ। इस टाइम ये बुल्डर की मशीन जो इंडिया का मानी जाती है इसको लगाया है, जिसकी क्षमता बासमती 8 टन पर आवर और नॉन बासमती 10 टन पर आवर। इसमें करीब 80 लेबर होते हैं और 60 वर्कर होते हैं मशीनरी के और 10 लोग मैनेजमेंट के देखने वाले होते हैं जो कार्य कर रहे हैं। इसकी कैपेसिटी 2500 क्विंटल पर डे पैडी की तरह हो सकती है। अब इस प्लांट को चलाने के लिए आपको कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी और वो मशीन है बेइंग मशीन, एस्केलेटर, एलिवेटर, पंप, एस्पिरेटर, डी स्टोनर, फ्रिक्शन वाइटनर, सेकर